लखनऊ में एक बार फिर से, यूपी में एक बार फिर से तबादला हुआ है बड़ी संख्या में। यूपी में 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। रायबरेली, प्रतापगढ़ के डीएम हटाए गए, महाराजगंज, कासगंज, फतेहपुर के भी जिलाधिकारी बदले गए हैं। संजीव रंजन प्रतापगढ़ के नए डीएम बने हैं। हर्षिता माथुर को जिम्मेदारी रायबरेली की सौंपी गई है। पवन अग्रवाल सिद्धार्थनगर के डीएम बनाए गए हैं। सुधा वर्मा कासगंज की नई डीएम है। प्रकाश चंद्र प्रतीक्षारत बने हैं प्रतापगढ़ के डीएम। आईएएस रोशन जैकब से निदेशक खनन का चार्ज हटा है। अब सिर्फ कश्मीर कमिश्नर लखनऊ रहेंगे रोशन जैकब। तो एक बड़ी संख्या में तबादले जिला अधिकारियों के। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिकेत, एक बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं और इन तबादलों पर नजर अगर डाली जाए तो क्या समझा जाए, क्या अंदाजा लगाएं? हाँ देखिए पूजा, अगर बात की जाए जो बड़ी संख्या में जो जिलाधिकारी जिनके जिनमें फेरबदल किया गया है, तो बता दें आपको कि परसों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से, तो तमाम ऐसे अधिकारी थे जिनके काम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि साफ तौर पर कई जिले ऐसे थे जहां पर काम को लेकर जो शिथिलता थी वो जिलाधिकारी तरफ से देखने को मिली थी। और यही कारण है कि आईजीएस निस्तारण को लेकर भी जो उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो धीरे धीरे खिसकती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी खासा नाराजगी अलग अलग जिलों के जो जिलाधिकारी उनसे देखने को मिली थी। और उसी क्रम में अगर बात की जाए पूजा, तो रायबरेली से प्रतापगढ़ डीएम हटाए गए, वही महाराजगंज और कासगंज के भी डीएम को बदल दिया गया है। फतेहपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ के भी जिलाधिकारी को बदला गया है। वहीं जो पवन अग्रवाल है उन्हें सिद्धार्थनगर का डीएम बनाया गया है और सुधा वर्मा को कासगंज का डीएम नियुक्त किया गया है। प्रतापगढ़ की अगर पूरा बात की जाए तो जो डीएम प्रकाश चंद्र ने प्रशिक्षारत कर दिया गया। वहीं जो लखनऊ में जो आईएएस रोशन जैकब जो मंडलायुक्त थी जिनके पास में खनन का भी चार्ज था, उनसे खनन का चार्ज दे दिया गया है। अब सिर्फ वो लखनऊ के कमिश्नर रहेंगे। और ये भी बता दें पूजा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले 100 ऐसे और अधिकारी हैं जिनका तबादला जो है वो होने की जो संभावना है वो तेज होती साफ साफ नजर आई, क्योंकि लगातार ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है उसे और बेहतर रूप दिया जा सके और आगामी लोकसभा चुनावों में भी विपक्ष कोई सवाल न खड़ा कर पाए किसी भी प्रकार की चीजों को लेकर, फिर चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात हो। तो तमाम इन चीजों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। और परसों जब देर शाम उन्होंने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो तमाम अधिकारियों की खामियां देखने के लिए, तो उनके काम में ना तो कुशलता थी और तमाम ऐसी जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो भी ठीक तरह से धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। और यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी खासा नाराजगी देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में उसी क्रम में जो तबादला वो देखने को मिला है। पूजा, सरकार ये सुनिश्चित करके चल रही है कि जो भी विकास योजनाएं हैं और बेहतर से बेहतर काम हो तमाम जिलों में, और जो अधिकारी ये करता हुआ नजर नहीं आता या जरा भी लापरवाही होती है तो सरकार तुरंत तबादले करती है। शुक्रिया आपका अनिकेत इस खबर पर जानकारी देने के लिए।